अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें एक्स की पावर या कोई भी वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसकी पावर 1 होती है। जैसा कि आपको एक्सरसाइज 7.1 के सारे पार्ट्स में नजर आ रहा है कि एक्स की पावर 1 है, सिवाय एक क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वो भी रिड्यूसिबल टू लीनियर है, यानी कि उसको भी हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन की तरफ आए तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, इन विच ए बी जो है वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से और ए नॉट इक्वल टू होगा 0 के, क्योंकि अगर ए 0 हो जाए तो हमारे पास एक्स इन्वॉल्व नहीं रहेगा, यानी कि एक्स की पावर 0 हो जाएगी और वो इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इनकी। एग्जांपल में कोई भी आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, 3x प्लस 2 ये एक लीनियर इक्वेशन है, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये एक लीनियर इक्वेशन है, या क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट जो आपको नजर आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के, वो सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस हैं। अब हमने इनका सॉल्यूशन करना है। बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने एक्स को पूरी इक्वेशन से आइसोलेट करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे सामने कुछ ऑडियंस बैठी हुई है और हमने एक ऐसे पर्सन को अलग करना है, आइसोलेट करना है जिसकी एज सबसे कम हो, तो हम ऐसा करेंगे कि उसको वहां से लाके यहाँ पर खड़ा कर देंगे। इस तरह से ये होगा कि वो जो बाकी ऑडियंस है उससे वो आइसोलेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें देखें तो क्वेश्चन के अंदर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने क्या करना है, एक्स को आइसोलेट करना है, यानी कि एक्स को हमने एक तरफ लेकर आना है और जो बाकी टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर आना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, तो हम अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि हम एक्स को आइसोलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। हम सबसे पहले चेक करेंगे 3, 2 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होगा, ऐसा छोटे से छोटा नंबर होगा जिसको ये तीनों डिजिट्स पूरे का पूरा तकसीम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें 6 एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिसको 6 भी डिवाइड करता है कंप्लीटली, 2 भी डिवाइड करता है कंप्लीटली और इसी तरह 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। और 6 सो हमारे पास 6 एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिस पर ये जिसको ये तीनों पूरे का पूरा तकसीम करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो हम 6 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो हम मल्टीप्लाइंग करते हैं पूरी इक्वेशन को 6 के साथ। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 2 ओवर 3x माइनस 1 ओवर 2x इज इक्वल टू एक्स और 1 ओवर 6, तो हर टर्म को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 बाई 3x के साथ, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 2x के साथ, इक्वल के बाद 6 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर 6 के साथ। यानी कि हर टर्म को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा और बाहर 6 को मल्टीप्लाई करा दिया। अगर कोई साइन आ रहा है जैसे कि माइनस है या यहाँ पर प्लस साइन है, तो उनको हम छोड़ के आगे 6 चारों टर्म के साथ अलग अलग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसी तरह 2 3 टाइम्स 6 और यहाँ पर 6 6 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, इसी तरह 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 6x प्लस 1। देखें अभी भी हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 दफा x आ रहा है, इस टर्म में x मौजूद है, इसमें मौजूद है और उसमें मौजूद है, तो इट मींस दैट कि अभी x आइसोलेट नहीं हुआ। x को आइसोलेट करने के लिए हम x को इक्वल के एक साइड पर लेकर आएंगे, तो ये 4x माइनस 3x को हम सॉल्व कर लें तो x बन जाता है, अगर 6 हम इक्वल के इस साइड पर लेकर आते हैं तो माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखें ये x है और ये माइनस 6x है, तो माइनस 5x बन जाएगा इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड्स को माइनस 5 से डिवाइड कर दें, या इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि माइनस 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो
इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -1/5। अब अगर चाहें हम तो -1/5 को जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें हम पुट करके चेक करेंगे, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो जो हमारा आंसर है वो ठीक होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्वेश्चन से ज्यादा लेंथी उसकी चेकिंग हो जाती है। सो यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से करें तो ये सोल्यूशन सेट कर लेना ही काफी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, इस क्वेश्चन में भी हमने x को आइसोलेट करना है। यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स आ रही हैं, x -3/3 फर्स्ट टर्म है, x -2/2 सेकेंड टर्म है, इसी तरह -1 जो है वो थर्ड टर्म है। तो हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का, क्योंकि 6 बन रहा है तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन से। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो हमने 6 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस छोड़ के 6 को हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम 6 को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें यहां पर क्योंकि 3 जो है वो 2 × 6 होता है, इसी तरह 2 जो है वो 3 × 6 होता है, तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 2x हो जाएगा, इसी तरह 2 × 3 × 6, माइनस साइन वैसे ही रहा, यहां पर माइनस साइन है तो 3x, इस तरह ये वाला माइनस साइन इस -2 को प्लस कर देगा और 3 × 2 × 6 हो जाता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस साइन को माइनस साइन ही रहने देते हैं, लेकिन क्योंकि वायर माइनस साइन है तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर 6 हो जाता है, इज इक्वल टू -6 एज इट इज आ रहा है। आप देखें यहाँ पर माइनस का 6 है, प्लस का 6 है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है अलाइक टर्म्स जो हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको हम ऐड कर सकते हैं। अब देखें क्योंकि -6 और 6 जो हैं ये विदाउट x थे तो ये हमने ऐड अप कर दिए, यानी कि -6 और +6 जो है वो कैंसल आउट होकर 0 हो गया। इसी तरह 2x -3x -x बन जाता है, इज इक्वल टू -6 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ऑलमोस्ट हमारे पास x जो है वो आइसोलेट हो चुका है, लेकिन एक साइन है उसके साथ माइनस। अब हम ऐसा करते हैं दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या -1 से डिवाइड कर दें, या दोनों तरफ अगर माइनस हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि x जो है वो अपनी इक्वेशन से आइसोलेट हो चुका है। यहाँ पर देखें 2 दफा x इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखें x जो है वो अलग हो गए, यानी कि वो आइसोलेट हो गए, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो सोल्यूशन सेट इसका आएगा सिक्स के इक्वल। इसको भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर तो 6 - 3 3 बनेगा और 3 और 3 1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर 6 पुट करें तो 6 - 2 4 4/2 2 बनेगा, तो यहाँ पर 1 था, 1 - 2 - 1 बनता है, और राइट साइड पर देखें -1 मौजूद है, तो इस तरह ये हमारा चेकिंग भी जो है वो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है क्योंकि ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, हमारे पास x भी है। तो हम ऐसा करते हैं पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। इसको और भी कई मेथड है हल करने के, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह के बाकी क्वेश्चन कराए हैं सेम ये भी उसी तरीके से उसी पैटर्न से हो। तो 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करें x के साथ तो 1/2x आ जाएगा। इस तरह -1/6 है, ये 1/2 है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके 1/12 हो जाएगा, प्लस 2/3 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो उससे 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 है, 1/2 है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके 1/6 -3x, इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो 3/ में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर चाहें तो 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दें या रहने दें। आगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद 3 है, 6 है और 12 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं 12, क्योंकि तीनों का टेबल 12 पर पूरा पूरा आ जाता है, सो हम 12 को ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12। तो सो हमारे पास अब 6 टर्म बन रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, हर टर्म को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2x माइनस 12 × 1/12 प्लस 12 × 2/3
इज इक्वल के बाद 12 इंटू 5 ओवर 6 प्लस 12 इंटू 1 ओवर 6 माइनस 12 इंटू 3x ओवर 3। चाहे तो इसको एक ही लाइन में लिख लें, क्योंकि लाइन लंबी हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया। 2 6 टाइम 12 होता है, 12 1 टाइम 12 होता है, 3 4 टाइम 12 होता है, 6 2 टाइम 12, 6 2 टाइम 12 और यहाँ पर 3 4 टाइम 12। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया इनको, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा प्लस 4 2 टाइम्स 8 होगा इज इक्वल के बाद 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गए 10 प्लस 2 1 टाइम 2 और माइनस 4 3 टाइम्स 12x। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 6x है, माइनस का 1 और प्लस का 8 ये 7 हो जाएंगे इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12 और माइनस का 12x। अब देखें हमारे पास इस इक्वेशन में दो दफा x इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम x को आइसोलेट करना चाहते हैं। सो हम x को इक्वल की एक साइड पर शिफ्ट करेंगे, 6x माइनस 12x इस तरफ आके प्लस 12x हो जाएगा, ये 7 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। याद रखें जिन टर्म्स को हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं सिर्फ उनका साइन चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने माइनस 12x इधर लेकर आए थे तो ये प्लस 12x हो गया, जो 6x है ये ऐसे ही रहा हमारे पास। इस तरह ये 7 है ये हमने उस तरफ शिफ्ट किया तो ये माइनस 7 होगा, 12 जो है उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब 6x और 12x 18x होते हैं और 12 माइनस 7 5 हो जाता है, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 5 ओवर 18।